हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेल समाचार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी थी कि 109 ट्रेनें जो रेलवे दे रही है, रेलवे ने प्रपोजल उसका पास किया है कि 109 प्राइवेट ट्रेनों का। तो उसमें अभी एक खबर आई है, न्यूज़ आई है कि दूसरी ट्रेन मिलने जा रही है, जो तेजस के बाद ये दूसरी प्राइवेट ट्रेन होगी। किस जगह से ये ट्रेन चलेगी, कहाँ चलेगी, कब चलेगी, सारी की सारी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और पूरी वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दें प्रेस, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको बताने जा रहे हैं कि देश भर में दौड़ने को तैयार 109 निजी ट्रेन में से एक कानपुर को मिली है। तेजस के बाद ये दूसरी कॉरपोरेट ट्रेन है जो दिल्ली का सफ़र सुगम बनाएगी और कानपुर से महज 4 घंटे 20 मिनट में गंतव्य तक पहुंचाएगी। ये ट्रेन कब से चलेगी, फिलहाल इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को नहीं है। और आपको बता दें कि प्रयागराज से विभिन्न रूटों पर चलेगी 13 ट्रेनें। लखनऊ से दिल्ली के बीच शुरू हुई पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस को IRCTC चला रही है और कानपुर में रुकने वाली इस ट्रेन में यात्रियों को जहाँ अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं, वहाँ यह अब सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी रहे हैं लोग। और तेजस के बाद ये दूसरी ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस है, जो वाराणसी से इंदौर के लिए आना और जाना करती है। अब आपको बताना चाहेंगे कि अब रेल मंत्रालय देश भर में 109 निजी ट्रेन चलाने जा रहा है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। कौन सी ट्रेन किस समय और कहाँ से चलेगी, यह भी तय कर दिया गया है। इसके लिए देश भर में अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे में प्रयागराज को क्लस्टर बनाया गया है और प्रयागराज से विभिन्न रूट पर कुल 13 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें एक कानपुर को ट्रेन मिली है। और रेल सूत्रों के मुताबिक घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन ट्रेन संचालन में अभी वक्त है। टेंडर व अन्य प्रक्रियाओं के लिए अभी समय लगेगा। और ये ट्रेनों का समय क्या होगा, ये रहेगा ट्रेनों का समय फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6:40 शाम को ट्रेनें दिल्ली के लिए रवाना होगी, 11 बजे रात में गंतव्य तक पहुंचेगी, 5:20 सुबह दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना होगी, 9:25 कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी न्यूज़ जो मैंने आपको बताई। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, आप लाइक और डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है।